The Daily Show with Muneer Meman. अस्सलामुअलैकुम। आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत पेश हुए खान साहब यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा और साबिक वजीर आजम पाकिस्तान। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो मुकदमात इस वक्त दर्ज हैं उस हवाले से खान साहब को एक बार फिर से रिलीफ मिला और खान साहब की जो जमानत है उसको मंजूर कर लिया गया। ये जमानत यकुम सितम्बर तक मंजूर की गई और इस जमानत के बाद फिर से पेशी के ऊपर खान साहब को बुलाया गया है। इस तमाम सूरत हाल में जो कुछ हो रहा है वो ये कि खान साहब ने एक तकरीर की, उस तकरीर में कुछ अहम शख्सियात का नाम लेते हुए तस्करा करते हुए कुछ कलमात अदा किए, जिसके बाद से ये जो तमाम सूरत हाल है वो इस तरफ बढ़ती हुई नजर आई। इस वक्त अगर कहा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कानूनी मसाइल और कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ा तो ये गलत ना होगा। याद रहे कि शहबाज गिल साहब ऑलरेडी इस वक्त हुकूमत वक्त की कस्टडी में मौजूद हैं और उनके खिलाफ भी काफ़ी सारे मामलात इस वक्त जेरे बहस आ रहे हैं। खान साहब की गिरफ्तारी सवाल के मुतालिक आए रोज नित नई खबरें गर्दिश करती हुई नजर आती हैं और साथ में जो हुकूमती वुजरा हैं, खासतौर पर अगर मैं वजीर दाखिला जनाब राणा सनाउल्लाह साहब की बात करूँ तो उनकी जानिब से भी जो बयानात आते हैं वो तमाम तर सूरत हाल को काफ़ी हद तक वाजे कर देते हैं। ये बात तो यकीन है कि इस वक्त पाकिस्तान में सियासत का दर्जा हरारत अपने उरूज पर नज़र आता है, लेकिन क्या ये सूरत हाल ऐसे ही चलती हुई नज़र आएगी ये यकीनी तौर पे देखने से ताल्लुक रखता है। आज खान साहब ने अपनी जमानत के मंजूर हो जाने के बाद मीडिया से जो गुफ्तगू की आपको उसकी एक झलक दिखा। सारी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान का मजाक उड़ा है। एक तशद्दुद होता है, सेक्सुअल अब्यूज होता है शहबाज गिल का, कंफर्म हो जाता है अदालत के अंदर कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है। और मैं ये कहूं कि मैं लीगल एक्शन लूंगा, जो पुलिस वाले जिम्मेदार थे आईजी और डीआईजी और दूसरी कि मैजिस्ट्रेट जिसने तशद्दुद होते हुए उसको वापस भेज दिया पुलिस के पास। अब इसके ऊपर अगर लीगल एक्शन मैं कह रहा हूं लूंगा और उसके ऊपर मेरे ऊपर दहशतगर्दी का केस लग जाता है, आप खुद सोच रहे हैं कि दुनिया में ये कितना बड़ा मजाक उड़ा है। सारी दुनिया के अंदर हेडलाइन न्यूज गया, पाकिस्तान को ऐसे लगा जैसे कोई बनाना रिपब्लिक है कि यहां कोई कानून है ही नहीं, जो मर्जी जिसके ऊपर कर दो। और वो आदमी जो सबसे बड़ी पार्टी का हेड है उसको इसके ऊपर गिरफ्तार करने की कोशिश करें इस केस के ऊपर। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जो भी ये फैसले कर रहे हैं और करवा रहे हैं उनको अपने मुल्क का सोचना चाहिए। खौफजदा हुए हुए तहरीक इंसाफ की ताकत से वो फैलती जा रही है, बाय इलेक्शन जीते जा रहे हैं, जलसे पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने बड़े नहीं हुए। उस खौफ से ये टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए, अपनी जात को बचाने के लिए ये मुल्क का मजाक उड़ रहा है। तो आपने ये मनाजर देखे जो खान साहब ने आज अपनी अदालत से बाहर आने के बाद जो रिमार्क दिए मीडिया के सामने, यकीन तौर पे खान साहब को इस वक्त जमानत तो मिल गई लेकिन ये जो तलवार है कानूनी पेचीदगियों की ये अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर पे लटकती हुई नजर आ रही है। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ ज्वाइन करें कामरान साकी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट साफी, जरा इनसे जानते हैं कि आखिर ये जो सूरत हाल है वो किस तरह बढ़ती हुई नजर आ रही है। कामरान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आज आपने देखा कि खान साहब की जमानत तो मंजूर हो गई और यकुम सितंबर तक खान साहब को गिरफ्तार ना किया जाने का हुक्म भी दे दिया गया, लेकिन यकुम सितंबर के बाद अगली समाअत पे खान साहब को फिर पेश होना पड़ेगा। क्या ये हुकूमत की टैक्टिक हो सकती है कि खान साहब को वहां पे उलझाए रखा जाए कानूनी पेचीदगियों में, या दरअसल सूरत हाल कुछ और है? देखिए ये एक तो यकीनन मौजूदा का फैसला है और उसने यकीनन मेरिट पे इसे दिया होगा और उस पर तस्करा वैसे तो मुनासिब नहीं है, लेकिन अदलिया के फैसले के ऊपर बात नहीं कर रहा कामरान साहब, मैं सवाल मेरा जो है वो दरअसल जो केस फाइल किया गया उस हवाले से बात कर रहा हूँ। जी जी कोई मैं उसी तरफ आ रहा था, लेकिन इसके अगर हम बेनिफिशरीज की बात करें तो यकीनन हुकूमत इसकी बेनिफिशरी है। बाजार तो वो अपनी देखने वालों की नजर के अंदर या पीटीआई के नजर के अंदर मुमकिन है कि वो अपनी ग्रिप खो रही हो और उनका केस कमजोर हो या उनका वकील दलाल देने में नाकाम रहा हो, लेकिन ये उनके डिलेइंग टैक्टिक्स, जैसे आपने इस्तेमाल किया लफ्ज़ के लिए, ये डिलेइंग टैक्टिक्स के साथ साथ वो इदारों पर एतमाद भी बहाल करवाना चाहते हैं। वो खान साहब मुंह से सुनना चाहते हैं कि ये अदालतें बड़ा अच्छा फैसला करती हैं, मेरिट पर फैसला करती हैं, कानून और सच के ताबे हैं। दूसरी जानब उन्हें पता है कि वो शहबाज गिल और बहुत सारे लोग और बदकिस्मती से कुछ जिसकी हम मजम्मत भी करते हैं कुछ सहाफियों को भी गिरफ्तार किया है हुकूमत ने,
या हुकूमती इदारों ने उनके कहने के ऊपर या उनकी अम्मा पे या उनके मुखालफ बात करने पे, तो ये उस पे भी वो करेंगे कि कैसे किस मुंह से फिर खान साहब अपने लिए जो फैसले आ रहे हैं उसे दुरुस्त करार देंगे और दूसरों के लिए जो फैसले आ रहे हैं उन्हें गलत करार देंगे या उसके लिए इदारों के ऊपर जो है वो उंगली उठाएंगे या उनको बात करेंगे। तो ये यकीनन ऐसा ही है और इसकी एट दी एंड बेनिफिशरी या जो फायदा उठाने वाली जमात है वो यकीनन हकूमती इतिहाद हमें जाहिर नजर आ। अच्छा कामरान साहब, जिस बयान को लेके खान साहब के ऊपर ये मुकदमा दर्ज किया गया, इस बयान को देखने के तो बड़े सारे व्यूज हो सकते हैं ना, कोई इसको अलग नजर से देख रहा है, कोई अलग नजर से देख रहा है, कोई कह रहा है कि ये धमकी है, कोई कह रहा है कि कानूनी कार्रवाई की अगर धमकी भी दी जाए तो वो ऐसी नहीं है कि इसके ऊपर केस या मुकदमा बन सके। अगर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूं कि जो कुछ खान साहब ने अपनी स्पीच में कहा जो कि मुतनाजा भी रहा, उसके हवाले से आपका क्या कहना होगा? देखिए, ना सिर्फ खान साहब ने बल्कि माजी के अंदर हमने देखा कि बहुत सारे लीडर्स ने ये जुबान जो है वो मौजा रजिया के जजिस के हवाले से हमारे इदारों के हवाले से जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस के हवाले से, अफवाज के हवाले से कहीं, वो यकीन काबिल गिरफ्त हैं और आइन आपको मात्र पिजर पितर आज़ादी नहीं देता। आप हाफ डेफिनेशन हम यकीन पढ़ते हैं कि हर शख्स को आज़ादी राय का हक है, लेकिन उसके आगे वाले शिक और आगे वाले अल्फाज शायद मुझ समेत शायद किसी को भी मालूम नहीं है कि वो उसके ऊपर कंडीशन क्या अप्लाई खिलाफ नहीं होगी। वो फौज जो हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत करती है उनके खिलाफ नहीं होगी, वो उससे किसी की दिल आजारी नहीं होगी, किसी को रंग और नसर की बुनियाद पर निशाना नहीं बनाया जाएगा, किसी के मजहबी जज्बात को मजरू नहीं किया जाएगा। ये डेफिनेशन हमने कभी पढ़ी नहीं ना कभी किसी को बताई है। तो उसके सियाको सवाक से अगर हम देखें या उस नुक्ता नजर या उन चीजों को रोशनी के अंदर हम उसका बल्ब जला के देखें तो यकीनन ये काबिले गिरफ्त है और उसके ऊपर है। बाकी फैसला तो यकीन जैसे मैंने पहले कहा तो मौजूद अजलिया ने करना है कि ये हुआ है या नहीं हुआ। बाबा मैं वन साइडेड स्टोरी करूंगा या वन साइडेड मैं अगर किसी का वकील हूं तो मैं यही कहूंगा कि मेरा बंदा तो बेगुनाह है, चाकू मार दिया, छुरी मार दी, तो वो सिविल वो अपने डिफेंस के अंदर मारा होगा मैंने मेरे क्लाइंट ने या कम उम्र में मारा है तो उसके ऊपर तो ये तलाक नहीं होता। लेकिन जिसका बंदा मरा है, जो मुतासरा फरीक है, जिसकी इज्जत पे हरफ आया है, जिसके मतहत इतने पुलिस वाले और पुलिस एहलकार है, उसके आई जी या उसके सरबरा के खिलाफ हुआ है, जो मौजूद अदलिया से ताल्लुक रखने वाली मोहतरमा है, उनके जो स्टाफ है, उनका जो लॉयर और उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, जो उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, जो उनकी क्रेडिबिलिटी है, वो तो कहीं ना कहीं डैमेज हुई है, उसका जिम्मेदार तो कोई है ना। लेकिन कामरान साहब, जो मुकदमा दर्ज किया गया वो उन शख्सियात की जानिब से नहीं किया गया जिनका तस्करा हो रहा है, वो किसी एक दूसरे शख्स की जानिब से किया गया जिसको पीटीआई से बेस बना रही है। देखिए मैं अब मजहबी तो कोई हवाला देना जो है वो क्योंकि हम चीजों को बड़ा साइड पे ले जाते हैं। जो कुछ वहां पे सऊदीया के अंदर हुआ, जो कुछ फ्रांस के अंदर हुआ, वो कोई करने वाले हैं जिनके खिलाफ था तो उन्होंने तो मुकदमा दर्ज नहीं करवाए, उन्होंने तो एहतजाज नहीं किया ना। बिल्कुल सही, मेरे भी तो जज्बात मजरूह हुए ना। जब मेरे शहर का हिफाजत करने वाली सिटी ट्रैफिक पुलिस है या आईजी इस्लामाबाद है या मौजूद अदलिया है, जिसके ऊपर मुझे मोहब्बत है, एतमाद है, जो मेरी तनख्वाह ले रहे हैं मेरे टैक्स से, जो मैं टैक्स पे करता हूं, तो जब उनके ऊपर बात आएगी तो मैं उसमें फ्री कैसे नहीं हूं? वो तो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, वो बेचारा कैसे पार्टी बनेगा? कल हुकूमत आती है इमरान खान की, जैसे आप पंजाब के अंदर देख लीजिए, जिन लोगों ने इमरान खान के वो इंकलाबी मार्च या आजादी मार्च को रोकने की कोशिश की, उन्हें आपने मुअत्तल कर दिया, उनकी लिस्टें तैयार होना शुरू हो गई, उन बेचारों को खुटे लाइन लगा दिया आप लोगों ने, तो वो कैसे फ्रंट के ऊपर आएंगे? नहीं जी, मेरी बड़ी इज्जत खराब की थी, और उसे पता भी है कि पीटीआई का बारह लाख स्ट्रॉन्ग वोट बैंक मौजूद है पाकिस्तानी पंजाब के अंदर, ये केपीके के अंदर, तो वो कैसे रिस्क मोल लेगा अपने छोटी सी इज्जत के चक्कर में? अपनी 21वें 22वें ग्रेड की या 18वें ग्रेड की नौकरी को क्यों दांव पे लगाएगा? बिल्कुल, ये बात इंपॉर्टेंट है। लेकिन साकिब साहब, ये भी जरा बताए ना कि हमारी सियासत में मुकदमात तो बनाने का एक रुझान पहले भी था, ये कहा जाए कि हमने विरासत में ली अपनी सियासत में, तो गलत ना होगा, लेकिन अब जो मुकदमात की नौयत है, गद्दार से कम बात नहीं होती, और जहां इस वक्त नून लीग की जानिब से खान साहब के ऊपर मुकदमात बनाए जा रहे हैं, वहीं पे केपीके से इत्तला आ रही है कि नून लीग की क्यादत के जो बयानात रहे हैं माजी में, उनके ऊपर भी केसेस फाइल किए जा रहे हैं। मुझे सर ये समझाएं कि ये जो सियासी क्यादत इस वक्त एक दूसरे के हवाले से ये मट स्लगिंग कर रही है, जो इस वक्त मुकदमात बनाए जा रहे हैं,
ये आने वाले दिनों में एक नया मामला तो नहीं खड़ा कर देंगे, इनके लिए नई मुश्किलात तो नहीं खड़े कर देंगे? ये कोई नई चीज नहीं है, हमने बेजीर भुट्टो मरहूम के दौर के अंदर भी देखा और बाद में नवाज शरीफ के द्वार के अंदर भी देखा, दोनों पार्टियां जो है वो एक दूसरे के खिलाफ बुनियादें थी भी तो करप्शन किसने नहीं की, ईमानदार कौन है, हाजी यहाँ पे कौन है, तो उन्होंने उन चीजों को रेफरेंसेस को निकाल के मुख्तलिफ इदारों के अंदर एंटी करप्शन मुख्तलिफ जगहों के ऊपर भुगतान भी तो हुआ ना, उसका भुगतान भी तो उठाना पड़ा ना साकी साहब। मैं वही कह रहा हूँ कि उसके फिर वे जमहूरियत करके आपने मरी में बैठ के साइन करके उससे किया, अब यही फिर हो रहा है, लेकिन उसमें ना किसी को सजा हुई ना इसमें कोई सजा होगी, चार पांच दिन जेल में रहेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। गद्दार के मुकदमे कब नवाज शरीफ पे नहीं बने, कब परवेज मुशर्रफ पे तो फैसला आ गया कि नहीं चौक में लटका दे, वो जज साहब मोहतरम नहायत एहतराम के साथ वो कहाँ है जिन्होंने फैसला दिया, उसके खिलाफ कोई अपील या नजरसानी की दरखास्त कहाँ है, वो कलम हुआ या नहीं, कोई मुझे स्टेटस तो बता दीजिए किस तरह का। ये तो हमारा एक अहम ही बस जो नया कानून या चीज बन जाए, नैब बन गया तो नैब पे सारा सबको नैब में डाल दिया, वो सही कहते थे जरदारी साहब के ये मेरे और आपके खिलाफ ही नवाज शरीफ साहब इस्तेमाल होगा जिसे आप बनाने की बुनियाद सब डाल रहे हैं, तो वही हमें उन्हीं लोगों की सबकी फाइलें वहां पे नजर आती हैं, वो कि वो हकीकत से उनका ताल्लुक है या नहीं ये एक अलग बहस है। हम इदारे ही बनाते हैं मुखालफिन को कुचलने के लिए, ये मुकदमात बनाते हैं, जब हाँ बहरहाल इसमें कोई सजा होगी तो फिर है। इमरान खान साहब ने कौन सा कोई बुलंदबाग दावे नहीं किए थे कि इन चोरों जा डाकुओं और लुटेरों को लटका दूंगा, साढ़े तीन साल के अंदर उनके पास बड़े सूबों के अंदर दो में हुकूमत थी, वफाक में उनके पास हुकूमत थी, तो उन्होंने किसी को लटका क्यों नहीं दिया, हालांकि माजी में जिसको चोर डाकू कहा करते थे आज को वजीर आला बना चुके हैं। सर यही तो है ना, वो जिसे पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा उसे वजीर आला पंजाब बना दिया, तो मैं किसे दुरुस्त कहूँ, मैं अपना वो खून जो है ना वो किसके हैं खास कर तलाश। लेकिन साकी साहब ये जो सूरत है, ये तो सारी मामला हमारी सियासत में चलते रहते हैं, अब जरा ये भी तो बताया ना कि इस वक्त जो हुकूमत जो कुछ कर रही है, आप इंटरनेशनल ये हेडलाइंस क्रिएट कर रहा है, आप इंटरनेशनल मीडिया को बहुत बेहतर जानते हैं, हमसे तो बहुत ज्यादा बेहतर समझते हैं, मुझे ये बताया कि जो 20-25 मेन इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज ने खान साहब के इस केस को हाईलाइट किया है, वहां पर हेडलाइंस लगाई है, इसका असर पाकिस्तान या पाकिस्तान की सियासत पे होगा? सर सियासत पे असर तो ये जितना गर्म खबरें रहेंगी जो जितना हेडलाइंस में रहेगा उसे उतना फायदा होगा, चाहे उस पर गद्दारी का मुकदमा। तो दरअसल खान साहब आप कह रहे हैं फायदा होगा इससे? इससे फायदा होगा, वो हाइप में रहेंगे हेडलाइंस में रहेंगे, लेकिन मुल्क का नुकसान रहेगा जब तक बदमनी अफरा तफरी सस्टेनेबिलिटी नहीं आएगी तब तक इन्वेस्टर आपके पाकिस्तान में नहीं आएगा, तब तक IMF वर्ल्ड बैंक चाइना सऊदीया आपको भी कह लें टुकड़े कह लें वो भी नहीं डालेंगे माजरत के साथ, क्योंकि उन्हें इन्वेस्टर नहीं आएगा, उसे पता है कि यहाँ पे पॉलिसी है कल और पॉलिसी है, वो कैसे आपको पैसे दे रहे हैं। आप ये बात समझते हैं, आप ये बात जानते हैं, तो मुझे ये बात तो समझाए ना कि हम फिर एक मुस्तकिल हल की तरफ क्यों नहीं बढ़ पा रहे, अगर इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चांस देखें ना आप क्यों जाए सर उस हल की तरफ, ये लोग क्यों जाएंगे, ये 20-22 किरानों या आप 100 ग्रानों का ताल्लुक उस क्लास से है जिसे मजीद कारोबार ना भी करें तो इनकी आने वाली 10 पुश्ते पे 10 नस्लें जो है वो खा सकती हैं, ये इनके स्टेक्स हैं कि यहाँ पे अनसस्टेनेबिलिटी रहे, इनकी बड़ी बड़ी शुगर मिलने पले, इनके पोल्ट्री फार्म से लोग इस्तफादा उठाएं, इनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो बाहर है वो इन्हें बैकअप दे रही है, ये तो एक ताकत और ताकत के नशे के अंदर जो है वो इख्तियारात की जंग जो है वो लड़ रहे हैं, ये तो एक ही टेबल पे आज बिठा दीजिए नवाज शरीफ शहबाज शरीफ और इन्हें जरदारी और इमरान खान को, अगर इकट्ठे बैठ के चाय ना पिए तो मुझे कहिएगा, यही माजी के अंदर यही थे जो लाड़काना की सड़कों पर लटे उन्हें उन्होंने घसीटना था, यही आज चाय पीते हैं, ये हम बेवकूफ आवाम हैं माजरत के साथ, हम लोगों को अकल करनी चाहिए, हमें शऊर की कमी है, हम इनके आलाकार हैं। आज सर आवाम क्या करे साकी साहब, आवाम के पास कोई तो रास्ता होगा ना, आवाम के पास जो ऑप्शन है उसी की तरफ जाएगी, आवाम अकल करे, आवाम के पास ऑप्शन मौजूद है, इमरान खान को उम्मीद के तौर पर लिया, उसका किरदार देखा, उससे 3.5 साल अपना उन्हें मौका दिया, आपको पता है वो डिलीवर नहीं कर पाए तो आप उसके फिर क्यों बयानिए नहीं के पीछे पड़ गए कि ये इंटरनेशनल साजिश है, नहीं अंधे को भी पता है कि यहाँ पे आने वाले हर बड़े ऑफिस बैरियर की जो है वो उसके लिए अप्रूवल कह लीजिए अनऑफिशियली या कुछ भी, वो ऊपर आपको लाइन सीधी करनी पड़ती है, क्योंकि आपने मांग के गुजारा करना है, आपने अपने खराजात को कम नहीं करना, आपने अपने अपने मुल्क के अंदर टैक्स का निजाम ठीक नहीं करना, आपने सिर्फ छोटे लोगों छोटे तबकों से पैसे इकट्ठे करने हैं, आपके बड़े सरमायादारों ने इकतदार में रहना है पावर में रहना है, इलेक्शन पे इन्वेस्ट कर देना उतना पैसा, लेकिन टैक्स नहीं देना इस इकोनॉमी को,
ट्रैक पे लाने के लिए, तो फिर आप भुगते हैं तो जब सर... आप इसी सिस्टम के मोहताज हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि अब वो उसका सैको सवाल क्या है कि जैसी आवाम है वैसे हुक्मरान आते हैं, तो जैसे हम हैं वैसे ही हमारे ऊपर लोग हैं, वो हमारी ज़हनियत से खेलते हैं। मतलब ये हल होता हुआ नजर नहीं आया कि आप कह रहे हैं यही इंतशार यही नजर आई है? मैंने तो अपनी 30-35 साल की उम्र में यही देखा है, जो होश के कुछ 15-20 साल गुजारे हैं उनमें भी यही देखा है, और हर दिन हर वही माजी को रिपीट भी करता है और नई तारीख भी रकम करता है। तो इसका हल बस दुआई है और इंकलाब ही है। अब इंकलाब के लिए भी अब कोई वो आप जैसे कह रहे हैं कि इंकलाब बगैर लीडरशिप हो सकता है इस सब मुल्क में? आप अगर मैं आपकी बात सुनते हैं, जब अवाम निकलते हैं तो फिर लीडर भी पैदा हो जाते हैं। जब लोगों के अंदर शऊर होता है तो गली मोहल्ले से जिस शख्स का आपने नाम भी नहीं सुना होता या इमरान खान का क्रिकेट के अलावा आपने किरदार ही नहीं कभी सुना होता, तो वो अगर सियासत में आके 30 साल बाद वज़ीर आज़म बन सकता है और इतनी बड़ी ताकत बन सकता है कि आर्मी चीफ और बाकियों को भी वो नाम लेके पुकारने लगे और चीजें करे और उन्हें खुदा न खास्ता इदारों को निशाना या धमकियां दे जो उनके ऊपर इल्जाम भी है और उनके तकरीरों से। साकिब साहब आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिएगा, वक्त भी कम है। नवंबर के बाद ये सूरत हाल कुछ वाजे हो जाएगी? नवंबर के बाद कुछ तब्दीली यकीनन जरूर आएगी, नए आने वाले लोग और इदारे में जो तब्दीलियां खासतौर पर जैसे मुल्क का पढ़ा या हिफाजत करने वाला भी समझा जाता है और कुछ हल्के से मालक भी तसव्वुर करते हैं, उसका जब सरबरा बदलेगा तो यकीनन नीचे तक उसकी तब्दीली के असरात आप देखें। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साकी साहब, पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। और यकीन तौर पर जो तज्जिया इन्होंने किया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त अगर देखें तो बेयकीनी की कैफियत बहुत ज़्यादा आम नज़र आती है, अफरा तफरी है, इंतशार है, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम बात ये कि इस वक्त पाकिस्तान में मौजूदा पॉलिटिकल लीडरशिप एक दूसरे के साथ मिल बैठने के लिए तैयार नहीं, एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। और आज पाकिस्तान कहने को तो ये चार सूबों का मुल्क है, कहने को तो ये गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर का मुल्क है, लेकिन आज भी यहाँ पे जो सूरत हाल है वो ज़्यादा वाजे नहीं है। इस वक्त हमें ज्वाइन करें जनाब रिजवान शाह साहब, अगेन बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी तज़ियाकार हैं, इनसे ज़रा जानते हैं ये जो आज मामलात तब्दील हो रहे हैं, खान साहब हम देख रहे हैं कि अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, हुकूमत ने किसी ना किसी तरीके से इस तरीके से तो खान साहब को उलझा के रखा कि वो अब अपना रुख अदालतों की तरफ कर रहे हैं, जमानतें हासिल करने में अपनी तवानाई सर्फ कर रहे हैं, और शायद हुकूमत के पास ये एक एज भी है कि अगर खान साहब इस तरफ उलझे रहते हैं तो वो अपने मामलात को कुछ दिनों तक मजीद बआसानी चला सकेगी और जो फैसले हुकूमत वक्त करना चाहती है वो शायद कर सके। रिजवान शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया। रिजवान साहब सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। रिजवान साहब सूरत हाल आपके सामने है, आप बेहतर तौर पर बयान कर सकते हैं जो कुछ इस वक्त इस्लामाबाद में तमाशा बरपा है, मैं चाहूंगा आप कमेंट करें इस पर। तमाशा तो मुल्क में बरपा है, इस वक्त तमाम मुल्क के अंदर एक तमाशा बरपा है। बेसिकली मसला इस वक्त ये हुआ है कि हुकूमत और उसके इतादी जो है वो इमरान खान की अवामी मकबूलियत से सख्त खायफ हुए हुए हैं और उसको मुख्तलिफ तरीकों से मुश्तइल कर रहे हैं, उसको जहनी तौर पर डिस्टर्ब कर रहे हैं के खिलाफ जो ये एफ आई आर हुई है, आप बताएं कि तोहीन अदालत की ये जो एफ आई आर और दहशत गर्दी की एफ आई आर है ये इमरान खान के ऊपर होनी चाहिए थी। तो आप बेहतर फैसला कर सकते हैं उलझाने के लिए, इमरान खान को उलझाने के लिए, अवाम को का ध्यान दूसरी तरफ करने के लिए, क्योंकि देखिये बेसिक बात यह है कि जिस वक्त नून लीग इस हुकूमत में वारिद हुई और ये लोग मुसल्लत हुए उस वक्त इसी बयानिए पे आए थे कि इमरान खान ने तबाही कर दी है, पेट्रोल महंगा कर दिया है और इतना आवाम के ऊपर बोझ फालतू का डाल रहे हैं, महंगाई का बयानियां लेकर ये जो हुकूमत के अंदर आए और इन्होंने आकर आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। IMF के लोन के चक्कर में ये पड़ गए, जिस वक्त ये आए थे उस वक्त 22 अरब डॉलर जो है पाकिस्तान के जखायर थे, अभी 9 अरब डॉलर है और अवाम उससे बदतर हालात में, महंगाई का तूफान खड़ा किया हुआ है। सियासी तौर पे ये बिल्कुल कमजोर हुकूमत है जो 2 वोटों के ऊपर खड़ी हुई है और ये इनको इस बात का अंदाजा है कि इलेक्शन में हम नहीं जा सकते, इलेक्शन में इमरान खान की मकबूलियत और इमरान खान का जो एक स्कोप चल रहा है उसको ये बीट नहीं कर सकते, इसलिए ये इलेक्शन से भागने के लिए ये इस तरह के काम कर रहे हैं। तो रिजवान साहब अब ये बताया ना कि हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है, खान साहब इलेक्शन के लिए भाग रहे हैं, आवाम तो रोटी के पीछे भाग रही है, आवाम तो महंगाई देख रही है, आवाम तो बढ़ते हुए पेट्रोल की कीमत देख रही है, आवाम तो सैलाब से होने वाली तबाहकारियां देख रही है, सर ये हमारे हुक्मरानों को नजर क्यों नहीं आती?
सर हुक्मरानों को कुछ भी नहीं नजर आएगा, हुक्मरानों ने आकर जितने बेनिफिट लिए हैं वो अपनी जात के लिए हैं। सबने अपने ऊपर करप्शन के केसेस खत्म कराए हैं, नैब को पाबंद किया है, नैब को बिल्कुल डिफ्यूज कर दिया है इन्होंने, और ये तमाम लोग जो जिनके ऊपर फर्दे जुर्म आयद होनी थी वो तमाम लोग इस वक्त हुकूमत के अंदर है, उन्हें अवाम की कोई परवाह नहीं है और ना वो अवाम की परवाह करेंगे, उनको जरूरत ही नहीं है अवाम की परवाह करने की। वो एक रिजीम चेंज की के सिलसिले में उनका जो है ना कूड़ा निकल आया और वो लोग जो है ना हुकूमत के अंदर आ गए। देखें बात यह है कि हमें थोड़ा सा हुकूमत के तर्ज अमल के वो खान के ऊपर पर्चे करवा रहे हैं या एक मीडिया के ऊपर पाबंदियां होती जा रही हैं, आवाजें जो है वो खामोश की जा रही हैं, उसकी वजह यह है कि नून लीग की सियासत बेसिकली खत्म हो चुकी है। महंगाई मार्च के बयानिए पे आने के बाद इन्होंने अवाम को अजाब में मुबतला कर दिया, अवाम इनसे सख्त नफरत करते हैं, अवाम नहीं चाहते कि एक चोर और लुटेरे और इस तरह के लोग जिन्होंने इतनी करप्शन की हो, जिनके ऊपर सब करप्शन के केसेस वाजे थे, जिन पे फर्द जुर्म आयद होनी थी, और वही लोग जो है अवाम को किस तरह बेनिफिट दे सकते हैं, वो किस तरह ईमानदार हो सकते हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान और फौज के मुखालिफ बयानिए देते रहे हैं ये लोग, इन लोगों ने फौज को नाम ले लेके हमारे जर्नल्स को आर्मी चीफ को बुरा भला कहा है, इन लोगों ने पाकिस्तान के मुखालिफ कुवतों के साथ मिलकर अपनी सियासत में जगह बनाने की कोशिश की है, तो अवाम इनसे बहुत शदीद नफरत करते हैं और अवाम नहीं चाहते कि वो ये गवर्नमेंट के अंदर रहें। तो आपको लगता है रिजवान साहब की यही वजह है कि जो खान साहब मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शंस कराए जाएं, वो इलेक्शंस नहीं होते, यही वजह है कि हुकूमत कभी 7 इस्तीफे मंजूर करती है, कभी 9 इलेक्शंस करवाती, कभी 2 इलेक्शंस कराती है, यही वजह है कि आज भी कराची हैदराबाद सक्कर में लोकल बॉडीज के इंतखाबात नहीं हो पा रहे। देखें इसके लिए आपको थोड़ा सा एक पस मंजर को देखना पड़ेगा। जरदारी साहब ने सिंध के अंदर, उनकी ऑलरेडी हुकूमत है, सिंध गवर्नमेंट उनके पास है, सूबाई हुकूमत उनकी है, जरदारी साहब ने नून लीग को उनके साथ रहते हुए नून लीग को उनके घर से ही फारिग कर दिया, ऐसी सियासत की कि नून लीग इस वक्त कहीं स्टैंड ही नहीं करती पाकिस्तान के अंदर। सही, जो आपके वजीर आजम हैं वो अपने घर से भी हारे हुए हैं, लाहौर जाने के काबिल नहीं है, वो उनके वजरा लाहौर जाने के काबिल नहीं है, तो एक सियासी वैक्यूम हो गया नून लीग को, तो इलेक्शन किसी सूरत सूट ही नहीं करता। पीपल्स पार्टी को फिर भी इलेक्शन सूट इसलिए करता है कि पीपल्स पार्टी अगले 5 साल का सोच रही है, जबकि नून लीग जो है उसके पास एक दिन भी नहीं रहा कि वो कुछ सोच सके, वो तो सारा कुछ अपना लूज कर चुके हुए हैं, इसलिए नून लीग इंतखाबात से भाग रही है, जरदारी साहब बैठ के पीछे गेम कर रहे हैं, और हुकूमत और उसके इत्तेहादी अब एक दूसरे पर खुलकर एतमाद भी नहीं कर रहे। आप ये देखें कि कराची की सूरत हाल पे आ जाते हैं, कराची में एम क्यूम जो है वो अपने वोटर्स को मुतमईन करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, बिल्कुल वो आपके सामने है, वो अपनी अहमियत ही खो चुके हैं, लोग अब उनके ऊपर यकीन करने को तैयार ही नहीं हो रहे। ये जो नतायज आप देख रहे हैं बाय इलेक्शन के, अभी लास्ट जो बाय इलेक्शन हुआ है, मैच 13,000 वोट्स लिए हैं मोहित अनवर साहब ने अगेंस्ट महमूद मौलवी जी, और आप ये देखें कि अगर फारूक सत्तार के भी वोट मिलाकर और पीएसपी की भी मिलाकर, तो आप देखें कि ये कितना एक मतलब एक अजीब किस्म का बयानी है। पाकिस्तान में बेसिकली मुनीर भाई तमाम सियासी जितने मुनाफिकीन थे वो सारे नंगे हो गए हैं और अवाम उनको बिल्कुल बेहतर तरीके से पहचान गई है। अभी आप एक बच्चे से भी पूछें तो वो भी आपको ये तजिया दे देगा कि हाँ जी ये तो सब चोर हैं। सबको नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है, अगर ये हुकूमत हमें आने वाले लोग अगर ये अवाम के हमदर्द होते तो क्या ये पेट्रोल में इस तरह का इजाफा करते? लेकिन 12 रुपए इमरान खान की हुकूमत में महंगा होने वाले पेट्रोल को वो कहां पर ले गए हैं कि आज आप देखें कि लोग मोटरसाइकिल पे पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन रिजवान साहब माजरत कता कलामी की, मुझे ये बताएं कि अगर हुकूमत वक्त है, आप जैसे कि कह रहे हैं कि मामलात नहीं संभल पा रहे, मईशत नहीं संभल पा रही, बल्कि एक और मजे का केस सूरत हाल ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर जहां पे इम्पोर्ट के ऊपर पाबंदी लगाती है, बड़ी सख्ती कर देती है और इस तरह के बयान देती है कि इम्पोर्ट को तकरीबन नामुमकिन बना दिया जाएगा, फिर लग्जरी आइटम्स के ऊपर इम्पोर्ट खोल के जो डॉलर्स का फ्लो है वो बढ़ा देती है। सर ये सारी सूरत हाल जब हुकूमत से संभल नहीं रही
तो ये हुकूमत क्यों ये मजीद बदनामी, ये मुश्किलात का मलबा अपने सर ले रही है? आज हुकूमत के पास ऑप्शन है कि इलेक्शंस कराएं, वरना तो सूरत हाल ऐसी चलती थी तो खान साहब की मकबूलियत में मजीद इजाफा होगा। देखिए मुनीर साहब, इलेक्शन में जाने के लिए कोई रीजन चाहिए होता है हर सियासी जमात को। पीपल्स पार्टी के पास एक रीजन है कि हम ये सारी चीजें सही कर देंगे। मुझे बताएं नून के पास क्या अभी कोई ऐसा बयानिया है कि वो अगले इलेक्शन में स्टैंड करे? नून की हुकूमत इस वक्त ये चाहती है कि एक टकराव की ऐसी फजा कायम कर दी जाए, एक तसादुम की ऐसी फजा कायम कर दी जाए कि जिसकी वजह से उनकी हुकूमत जो है उतरने का बहाना नजर आए कि हमें किसी ने उतार दिया है। वो सियासी शहीद होना चाहते हैं और सियासी शहादत लेकर वो अगले इलेक्शन के बयानी। तो आप कह रहे हैं कि जानबूझ के मुल्क के हालात को इस तरफ लेके जा रहा है, इस नेच पे लेके जा रहा है कि फिर कुछ मामला हिले, कुछ डोरे हिले और फिर उनको हटाया जाए। देखे देखे आप एक और बात देखें कि हुकूमत जिस वक्त आई है इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर $30 बिलियन से $30 बिलियन बजरे मुबादला पाकिस्तान में भेजते हैं जी। हुकूमत ने आकर उनके वोट्स खत्म कर दिए। अब ये कैसा नाअहली का फैसला था? ये किस किस्म का जो है नाअहल लोग हैं कि इन्होंने जहां से हमारा रेवेन्यू एक कंटिन्यू आता था उनके वोट्स खत्म करके उन्हें नाराज कर दिया। आज हुकूमत किस मुंह से उन्हीं से सैलाब के मुतासरीन के लिए इमदाद मांग रही है? लोग कहते हैं तुमने जो लूटा हुआ वो लाओ, वो दो, वो निकालो। और ये आपने सैलाब मुतासरीन का भी अच्छा पॉइंट रेज किया। मैं चाहूंगा रिजवान साहब, ये हुकूमत ने अपने एक और मुश्किल नहीं खड़ी कर दी कि अगर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जो अमाउंट आएगी वो भी एक हुकूमत के ऊपर एतमाद का इजहार कर देगी, और अगर वो अमाउंट उस मद में उतनी ना आ सकी तो अगेन हुकूमत को इसका भी जवाब दे होना पड़ेगा कि क्या मौजूदा हुकूमत के ऊपर, मौजूदा वजीर आजम के ऊपर क्या आवाम का एतबार नहीं है जो एक प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में फंड ना डोनेट कर सके? देखिए मुनीर साहब, बिल्कुल भी एतबार नहीं है, कोई भी इनको फंड नहीं देगा। लोग जाती तौर पर जाकर उधर मदद कर रहे हैं, हुकूमत की इतनी कोई खास उधर जो है इमदाद नहीं पहुंची है। और अभी आज ही जो है मैं देख रहा था खबरें हैं उसके अंदर के पीपल्स पार्टी के कई अहदेदार ऐसे हैं जो टेंट 2200 रुपए वाला टेंट उधर जो है वो 19-19 हजार 20-20 हजार का जो है वो जा रहा है ब्लैक के अंदर। ये लोग इनके ऊपर एतबार नहीं करेंगे और ये मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह ये मुसीबत खत्म होगी। ये खत्म सिर्फ एक ही सूरत में हो सकती है, एक बैठ कर कौमी मुजाकरात किए जाए, उस कौमी मुजाकरात के अंदर हल निकाला जाए और फौरी साफ और शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं, अवाम के मैंडेट को तस्लीम किया जाए, अवाम जिसको चाहे उसको मुंतखब करे और इन इंतखाबात के अंदर मुदाखलत ना की जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं जरा माशी सूरत हाल के ऊपर भी चाहूंगा आखिरी मिनट में बात की जाए। रिजवान साहब, मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर ने इम्पोर्ट्स के हवाले से जो फैसला किया कि इम्पोर्ट्स एक बार फिर खोली जा रही हैं, डॉलर अल्लाह अल्लाह करके कंट्रोल में आया था, एक बार फिर से डॉलर का अपवर्ड ट्रेंड शुरू हो रहा है। हुकूमत के ये जो इकदाम हैं हुकूमत के अपने हैं या कहीं की और की डिक्टेशन है? देखिए इस वक्त वजीर खजाना जो है आपके कितने अहल हैं वो तो सारे पाकिस्तान को सारी दुनिया को पता चल चुका है। वो कहके लगाते हैं आवाम के ऊपर आकर जो पेट्रोल और चीजें महंगी कर देते हैं, उनकी पॉलिसी किसी तसलसल का हिस्सा है ही नहीं, उन्होंने कोई वर्किंग नहीं की हुई है। वो शायद रात को सोते हैं, ख्वाब देखते हैं और सुबह आकर उस चीज के अंदर तब्दीली कर देते हैं, फौरन यू टर्न ले लेते हैं। उसकी वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की माशियात दो जगह से चल रही है। एक पाकिस्तान की माशियात वो है जो मिफ्ता इस्माइल और इधर बैठा है उनका एक लॉबी बना रही है, और एक पाकिस्तान की माशियात वो है जो इसहाक डार उधर से अपने मुफीद मशवरे पाकिस्तान में भेज रहे हैं। और ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे माशी तौर पे जो है ना पाकिस्तान को हिला के रख दिया है, पाकिस्तान की माशियत को डुबो के रख दी है सिर्फ अपनी नाअहली की वजह से। इसलिए कि आपका कोई होमवर्क था ही नहीं, आप अचानक हुकूमत में आ गए, आपको एक मौका मिला, आप हुकूमत के अंदर आ गए। उस वक्त आपके बुलंद बांग दावे थे, उस वक्त आप कहते थे कि इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक हम हर चीज की प्राइस करेंगे, आपने डॉलर को कंट्रोल नहीं किया, आते ही डॉलर 100-150 रुपए महंगा कर दिया आपने, प्लस आपने आते ही पेट्रोल की प्राइसेस को महंगा कर दिया, आपने वक्त पे कोई चीज को देखा नहीं। और अभी सूरत हाल ये देख ले आप कि हम इतने बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं, गुजरती तो आवाम है भाई, फर्क तो आवाम को पड़ता है, इन सबके तो खाते बने हुए, इनको क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल सही। मसला इस तरह है मुनीर भाई कि आप ये देखें इंटरनेशनल
मार्केट के अंदर ऑयल की प्राइसेस के हिसाब से पाकिस्तान के अंदर ऑयल फिर भी तकरीबन 40% महंगा मिल रहा है सर। कुकिंग ऑयल तो और सस्ता है सर, आप एडिबल ऑयल की बात करें, पाम ऑयल की बात करें तो और सस्ता है आलमी मार्केट में। जी जी जी, तो फिर हमें किस चीज का बेनिफिट दे रही है ये हुकूमत, ये अवाम को किस चीज का बेनिफिट दे रही है, ये अवाम को सजा दे रही है, अवाम को चाहते हैं ये कि अवाम बोले ना, ऐसा हो नहीं सकता सर। 12 जमातों की हुकूमत है सर ये तो, बल्कि 13 जमातों की हुकूमत है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हर जमात का नुमाइंदा इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं अवाम तो खुश होगी ना कि 13 जमातों के लोग बैठे हैं, बेहतर फैसले कर रहे हैं। सर 13 जमातों की रेपुटेशन तो आप बराबर कर लें पहले, इन तमाम 13 जमातों की रेपुटेशन यही है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया क्या, उन सबका पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूशन क्या है, जो भी हुकूमत में आया उसने अपना जाती मुफाद पूरा किया, अपने केसेस खत्म कराए, अवाम का क्या उन्होंने फायदा किया, अवाम को क्या फायदा दिया। ठीक हो गया रिजवान साहब, मेरे पास प्रोग्राम का माजत है, वक्त मुख्तसर है, वरना आपसे मजीद गुफ्तगू करते, लेकिन आपका जो पॉइंट है वो आ गया और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर यहाँ पे देखें तो हुकूमत बहुत बड़ी नाकामी से दो चार नजर आती, माशी एतबार से अगर जरूर देखा जाए, और ये मजीद बढ़ेगा अगर जो इस वक्त सैलाब से होने वाली तबाहकारियों को जायजा ना लिया गया। इस वक्त पाकिस्तान में जो फूड आइटम है, खास तौर पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी आइटम्स हैं, वो आने वाले दिनों में बहुत हद तक शॉर्ट हो सकते हैं, उनकी कीमतों में होशरुबा इजाफा हो सकता है, क्योंकि हुकूमत इस वक्त संजीदा तौर पे इस इकदाम को नहीं देख रही, इस तरफ नजर ही नहीं है हुकूमत की कि जो किसान, जो हमारे बेचारे वो लोग जो मुल्क की पैदावार में अपना किरदार अदा करते हैं, उनको कैसे रिलीफ पहुंचाया जाए, उनकी ज़मीनों से पानी कैसे निकाला जाए, उनको फिर से अपने पैरों पे कैसे खड़ा किया जाए, इस वक्त हुकूमत की ये तरजीह में नजर नहीं आता। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।